Now we already find the magnitude. Now we have to find the direction. We left hand rule. The left hand rule say FBI. That means B that denote the first finger and I that denote the second finger of the left hand. Then we just get the direction of the F1. We have to project this first finger and this is the second finger. Okay, B and I. So we will get the direction of the F1 that is on perpendicular to this plane and that is inward. See here. Okay, you have to project your left hand. After that, what we see, the value of the that F1 that is ILB. If we remove that cross sign, we get LB sine theta and L and B. See the direction of L and B. L is the this length one, okay, and B is this, what we say, magnetic field. Both are perpendicular to each other, so the angle is 90. So here the LB sine 90 is the one. So the thing comes out to be ILB. Similarly, we can find the force on the CD or arm of the loop, that is the this arm. Here the things are same. The current is flowing in this direction upward, but here the current is in downward. We have to use the left hand and B, that is the first finger, I that is in the F second finger, and the F that our thumb will represent the direction of the, what we say, force, that is the outward. See, okay, this is the inward, this is outward, inward, this is outward. And similarly, we calculate the value of F3 and F4 here. F3 and F4 here. So this is the width of this. If this is the L, ये अगर L है हमारी, ये क्या है BC और AD, that is the width small b. So IBB that sine theta. So here this force we have to project our, we have to also use the left hand. I हमारा जो क्या होगा FBI, B हमारा इस direction में है, current हमारा इस direction में है, okay, ये हमारा B है, that is the first finger, this is the second finger, तो F हमारा क्या होगा अगर हम left hand use करेंगे, जो thumb represent करेगा F, वो F3 upward होगा. Similarly AD पे जब हम use करेंगे, current हमारा इस direction में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड फिर से यूज करेंगे तो F4 डाउनवर्ड आएगा. सो हेयर वी गेट द वैल्यू आल्सो, IBB एंड हेयर इज द IBB. F3 इज अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस. हेयर व्हाट वी सी, F3 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई दे कैंसिल ईच अदर. सो F1 एंड F2 आर इक्वल पैरेलल एंड एक्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, हैविंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जहाँ पे वो लग रहे हैं, वो अलग लग रहा है. ये AB लग रहा है और ये आपका CD पे लग रहा है. सो ये AB पे लग रहा है और ये CD पे, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है और ऑपोजिट डायरेक्शन है. सो दे विल कॉन्स्टिट्यूट ए लूप, दे विल कॉन्स्टिट्यूट ए लूप. सो टॉर्क, एक टॉर्क एक्ट करेगी, ये लूप का काम जिस पे क्या है, एक टॉर्क एक्ट करेगी. वो टॉर्क कितनी होगी वैल्यू, डेट इज़ आइदर फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो वी सी दिस इज द F1, ओके BIL, एंड दिस इज द F2, ओके. सो वी सी द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज दिस इज द नॉट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, जिस पे ये लग रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये वाला जिस पे ये फोर्स लग रही है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे. कैसे, ये देखिए, दिस इज द नॉट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी ड्राइव परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर एंड हेयर, इट विल मीट एट ए पॉइंट एन. सो दिस इज द अगर ये फोर्स ऐसे लग रही है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, डेट इज ND. अगर ये फोर्स लग रही है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ND होगा. सो वी फाइंड दिस वैल्यू, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेट इज द बी साइन थीटा. अगर ये हमारी बी है तो ये अगर थीटा है तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला बी साइन थीटा होगा. सो दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द टॉर्क.
बी आई एल इंटू डेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी आई एल बी साइन थीटा, यहाँ पे एल इंटू बी आर है, डेट इज़ नथिंग, डेट इज़ द एरिया. ओके, वी रिप्लेस इट बाय द एरिया. सो बी आई ए साइन थीटा, इफ द अगर इस रेक्टेंगुलर कोयल की एन टर्म्स हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, डेट इज़ बी आई ए साइन थीटा सिंगल का है, एन बी आई ए साइन थीटा एन पुट कर देंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी. सो अगर हम एन आई ए, एन आई क्या टर्म है, इसको हम रिप्लेस करेंगे क्या होता है, डेट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट. एन आई ए यहाँ पे वी रिप्लेस इट बाय द मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम, एन आई ए स्मॉल एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, और वी कैन से एम क्रॉस बी, डेट इज़ द टॉर्क.